अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। चार दिन कबल राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके सन सिटी में एक कत्ल की वारदात पेश आई थी, जिसमें 45 साल हमीद नामी एक शख्स का कत्ल हुआ था और ये रहने वाला सन सिटी का था। अब इस पर हमीद की वालदा ने एक खुलासा ये किया है, कत्ल करने वाले खातिल कोई और नहीं, ये हमीद की बड़ी साली के लड़कों पर इन्होंने अपना शक जाहिर किया और पुलिस से ये दरख्वास्त की कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिनके नाम ये हैं आमिर, जहीर, सोहेल और एक कुछ नाम उन्होंने कहा। हमीद जो मरहूम है, इनकी सगी साली के ये लड़के हैं। पुलिस से हमीद के वालदा की ये गुजारिश है कि इन्होंने जिन लोगों का नाम लिया वो हमीद के साली के बच्चे हैं, इनको पकड़कर इनकी तफ्तीश करें और मामले को हल करें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद हमीद की वालदा हूँ और मेरे बच्चे का मर्डर सन सिटी में हुआ। मेरा बच्चा बेगुनाह बेकसूर था। मेरे बच्चे का मर्डर बहुत ख़तरनाक करे, मेरे बच्चे की चेहरा तक नहीं देखे, चेहरा तक नहीं देखे हम। पेट के ऊपर 36 वारा है मेरे बच्चे के, पेट पूरा चीर के डाल दिया मेरे बच्चे को। और हमारे को आके चार दिन पहले बोल रहे थे मेरा मर्डर होने वाला है, मेरा मर्डर वाला होने वाला है, मेरा को जहीर के ऊपर शक है बोल के रो रहा था। उन लोगों का चार जनों के ऊपर मेरे को शक है, ये जल्द से जल्द केस को उठाइए साहब। वो चार जनों के नाम आमिर है, जहीर है और नोनी है, सोहेल है। तो जहीर, आमिर, नोनी है कौन लोग? उनके साली के बच्चे हैं। सगी साली के? हाँ, सगी साली के बच्चे, वहीं रहते थे, वहीं रहते थे, धमकी दे रहे थे उसको बच्चे। कुछ भी दुश्मनी थी क्या? कुछ भी दुश्मनी नहीं थी, कुछ दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। दो साल पहले, तीन साल पहले हमला करे उसके ऊपर, तो बच्ची भगा दी पीछे से, दीवार के पीछे से कूद के चले जाओ पापा बोले, तो चड्डी पे भाग के आ गया मेरा बच्चा, मेरे को मार रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं बोल के बस ये थे। और अब फिर का ये कत्ल खत्म करके कर दिए मेरे बच्चे। तो बेटे के रहते किधर थे? सन सिटी में रहते थे मेरे बच्चे, सन सिटी में रहते, ससुराल में रहते, ससुराल में रहते थे। कितने बच्चे? तीन बच्चे हैं, दो लड़कियाँ हैं, एक लड़का है। बच्चे उनके कौन जिम्मेदारी लेंगे, उनको पालने वाला कोई था नहीं, था नहीं है। और हमारे को भी घर चलाता था मेरा बच्चा, हम बेसहारा हो गए, अल्लाह का सहारा था। उसके बाद बाप माजूर है, उसके बाद बच्चे का सहारा था। दो दिन पहले आके बाबा के पायल पड़ के रो के सिगरेट दे के गया, अब्बा मेरा मटर होने वाला है बोला बच्चा। हम नहीं हम नहीं केयर करें, झूठ बोल रहा है, नहीं झूठ बोल रहा हूँ, खपा दिए हम मेरे बच्चे को, खपा दिए। क्या चाह रहे पुलिस साहब? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का। जर्मिनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्क़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मिनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H News, सिर्फ आपकी आवाज़।